तो आओ भाई तेज बोल। वाह भाई आगे एक और नए तड़कते भड़कते वीडियो और व्लॉग को लेके। वीडियो और व्लॉग? हाँ वैसे वीडियो और व्लॉग ही है। वीडियो और व्लॉग ही है भाई। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोग हैं तो फूड व्लॉगर, नई नई चीजें हम तो खाते हैं, बनाते हैं और हम नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं वियर्ड फूड के नाम पे, अलग अलग चीजें। आज के टाइम पे अब मैं देख ही रहा था, इंस्टाग्राम स्क्रोल ही कर रहा था, मैंने देखा भाई बड़ी बड़ी ब्रांड्स लाइक डोमिनोज, टाको बेल, पिज्जा हट और एक दो और भी है, इन लोगों ने अपनी नई नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं। भाई किस बात का वेट है फिर? चलो चले। अबे तेरे पास पैसे हैं, इस भूखे का पेट पाल लेगा तू। अबे हम भूखों को बहुत पाल चुके भाई, चल चल तू गाड़ी चला, अभी खा के दिखाते हैं। चल फिर चलते हैं। क्या बोला तूने? खा के दिखाते नहीं हैं। खा के दिखाने से पहले हम भूखों का पेट पालते हैं। अभी पेमेंट मैं दिखाऊंगा कि कौन करता है। पर कोई नहीं, हम भूखा किसी को नहीं मिलता, क्योंकि कोई खाना जिसको ना मिले वो भूखा भूखा नहीं होता। सही बात है, हर खाना खाना ना मिलने वाला भूखा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो फिर। चलो भैया अब आ गया आउटलेट के बाहर। किसका वेट दिख रही है? बहुत सारे हैं। चल अरे अबे चुप्पे, कितना उल्लू बनाएगा उनको। देखो भाई गाड़ी पे पहले से हम लोग लेकर के आ रहे हैं अपने सारे के सारी चीजें, सब चीजें हमारी तैयारी है। अरे भाई चल यार अब गाड़ी के बाहर थोड़ी ना खाएंगे, ठंडा भी। चल ठीक है। तो भाई तेरे कहने पे हम लोग गाड़ी के अंदर तो आ ही चुके हैं। मेरा तो प्लान था तेरे को भरी रोड पे गर्मी के अंदर। भाई गर्मी के अंदर मेरे तो बस की है नहीं आना। देख अरे गर्मी में मेरे को तेरे को बेरोजगारी फील करानी थी, क्या करता? गरीबों का पेट भरेगा। मैंने पेमेंट दी है सब चीजों की। सब चीजों का पे करा है? हाँ मतलब हाँ ही, मतलब अरे यार आप वो छोड़ो, इसकी बात ही छोड़ो। आपको क्या लगता है दोनों में से किसने पे करा होगा, इसने या मैंने, या फिर क्या कहते हो कि भाई फूड व्लॉगर है, दोनों ने नहीं पे करा होगा? चल भाई बहुत बातें हो गई, अब खाना शुरू करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। तो फिर पहली चीज हमारी लॉन्च करी है, ये किसने लॉन्च करी है इसके बाहर लिखा भी नहीं है, बस ये लिख दिया है डू नॉट ओपन इफ इट्स सील्ड इज ओपन। भाई सही बात है, अगर किसी भी चीज की सील ओपन हो डोंट यूज इट, नॉटी यूरा के बहन के। तो भाई अब हमारा आ चुका है टाको बेल का क्या पनीर मखनी रैप। ये इन्होंने अभी के अभी थोड़े टाइम पहले लॉन्च किया, मैंने तो अभी तक नहीं ट्राई किया। तूने ट्राई किया? आज तक तूने टाको बेल का ट्राई क्या किया? भाई इसके टाकोस और चूरोस आता है इसका बेस्ट। चूरोस? चूरोस 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 मतलब मीठी सी चीज होती है कुछ, उसके अंदर चॉकलेट। अरे वो कुईडीला कुईडीला। भाई ये पनीर मखनी नहीं है, इससे पता चलता है मैंने ही ऑर्डर किया। ये वेजी डिलाइट, वेजी डिलाइट करके कोई वो है भाई, इसके अंदर पनीर तो है भाई। पनीर वेजी, पनीर वेज नहीं होती? नहीं। पैसा बर्बाद। तो भाई ये है हमारा वेजी डिलाइट टाको बेल का टाको, साथ में मंगवाई है इनकी चीजी डिप। तो भाई ट्राई करके देखते हैं एक बार ये कैसा सा है। ओवरलोडेड है, वेजीज इधर पटक रखी है भाई। तू लेट्स ट्राई, ये अभी लॉन्च जो है न्यू के न्यू, तो आपको ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपको पता चलेगा। मैं तो ट्राई कर रहा हूं, अगर तू ट्राई कर साथ में रिव्यू देख। संभल के ट्राई करो ना, पापा ठोक देंगे अगर एक पीछे गिर गया वेजिटेबल। भाई इसका टेस्ट कुछ समझ सा नहीं आ रहा तेरे को, ये एकदम कैसा लगा कि रोटी मतलब परांठा वो लग रहा है, इसमें घी भी एक तो भरा सा लग रहा है भाई। ऑयली ऑयली, घी तो ये कहां ही डालेंगे भाई, एकदम ऑयली। और मेरे को कुछ भी कंटेक्स्ट से इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा टेस्ट क्या है। वेजीज कुछ ज्यादा ही डाल दिए। चल वेजीज ओवरलोडेड है कोई दिक्कत नहीं है, बट टेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा इसका। सही में रैप में भाई क्यों घुस रहे हो? सबवे कोई रैप बनाने दो भाई। इसको कितना रेट करना जाएगा आउट ऑफ 10? एक्सपेक्टेशन वाला थी टाको बेल से, इनके चूरोस अच्छे हैं क्योंकि इसको भी तो 6 उससे ज्यादा तो नहीं लग रहा मुझे। मैं 5 भाई, मेरे को 1% का नहीं अच्छा लगा। न्यूली लॉन्च है, न्यूली बंद कर दो इसको जल्दी जल्दी, जितना जल्दी लॉन्च किया ना उतना जल्दी अब इसको बंद भी कर दो। अरे यार कुछ टेस्ट ही नहीं, और ये चीज के बाद 200 रुपए रैप, नॉट गुड एट ऑल। भाई अब हमने एक चीज तो खा ली, उससे इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट कैरी करके दूसरी चीज पे बढ़ते हैं। भाई इतना बकवास था, मतलब खाने को ऐसे इतना बोलना नहीं चाहिए, पर समझ नहीं आया। मैं तो कहता हूँ फैसो सबवे इन्हीं को रैप्स बनाने दो, नहीं तो हमारे जो बाहर काठी रोल मिलता है ना उन्हीं को बनाने दो। टाको बेल जी आप इस इंडस्ट्री में मत ही घुसो तो बेटर रहेगा, इसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, कृपया आउट हो जाइए। तो डोरेमोन जी अब आप दूसरी चीज अपनी पॉकेट से। डोरेमोन भाई तू डोरेमोन बोला, तो डोरेमोन पतला भी हो रहा है, क्यूट लग रहा है, बंदा क्यूट है। तो भाई अब दूसरी चीज निकालो अपनी पॉकेट से। ये भी रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 169 का है ये। को पता है इसकी ना रील्स मैंने बहुत देखी आजकल इंस्टाग्राम पे। हाँ मैंने वही कहा, ये आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा चल रही है। पर मेरे को उस वाला ऐसा लग रहा था मिल्स देख के कि चॉकलेट का है कुछ, ऐसा क्यों लगा भाई? भाई पता नहीं मिल्स का नाम सुन के मेरे को चॉकलेट याद आया। ओके पर अब तो सारा पिज्जा हट का है, ये पिज्जा हट का। और क्या चीज है एक बार ओपन करके दिखाओ भाई। ये है हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी, जैसा लिखा हुआ था इस पे क्रिस्पी क्रिस्पी समथिंग समथिंग। ये तो पिज्जा की एकदम स्लाइस जैसा बना रखा है भाई। 169 में दो स्लाइस कोई नहीं यार, 169 के बहुत सारे पिज्जा भी आते हैं। Let's see.
लेट्स ट्राई इट एक बार खोल के दिखाओ इसको एक बार। भाई ये तो काफी चिपका है, फेविकॉल से चिपका रखा है, इसे चिपका दे सैया मेरी फेविकॉल से। ठीक है, छूने से तो पता चल रहा है क्रिस्पी, अब खाके पता चलेगा क्रिस्पी है या नहीं। एक बार ही ट्राई करते हैं, इस बार तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी नहीं करी जैसे उन्होंने करी थी, रैप को आधा आधा करना पड़ गया था। चलो पहले से आधा दिया, इनको पता था कि हम लोगों ने शूट करनी तो आधा आधा पहले ही करके दिया। कैसा लगा, पहले से बेटर या पहले से खराब, पहले तो ये बता भाई। पहले से तो बहुत बेटर है और बहुत अमेजिंग भी है। इसमें तीन चीज लिखी है, क्रिस्पी, चीजी एंड लोडेड। लोडेड सब चीजें, तीनों चीजें बढ़िया है। टेस्ट एकदम चीज का जो प्रीमियमनेस आ रही है ना, एक नंबर, खटास भी आ रही है। भाई पिज्जा हट का जो बात है ना, देखो महंगा है पर जो प्रीमियम इसे देते हैं और जो टेस्ट देता है बहुत बढ़िया है। और ये टेस्ट अभी लगा भी है भाई, एक नंबर टेस्ट है। इसमें अंदर पनीर, प्याज, कॉर्न, टमाटर, बहुत कुछ, साथ साथ चीज भी है अच्छे से एकदम, और एकदम क्रिस्पी है, लोडेड है और चीजी है। इसको रेट कितना करना चाहोगे भाई? इसको 10 में से 9.5 9.5 मेरी तरफ से भी 9 लगा लो यार, 9.5 में इसकी चेप नहीं होना चाह रहा इसकी वजह से नंबर दो भाई। एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए ना। हाँ भाई सही बात है, बट ट्राई तो जरूर करना बनता है। अगर ट्राई करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताना कि आपको लगा कैसा, अच्छा लगा, क्या हमारी रिकमेंडेशन सही रही या नहीं, जरूर से बताना। सो फिर बढ़ते हैं भाई तीसरी आइटम। तो भाई पहले टाको बेल से निराश हुए, फिर पिज्जा हट ने खुश कर दिया, अब हमारी बारी है तीसरी चीज पे। वो क्या रहने वाला है? अरे ईच और तो कंपनी है जहाँ से मंगवाया। पहली बार सुनी है कंपनी में। ओ चलो इसको भी प्रमोट कर लो भाई। पहले तो अपना चैनल प्रमोट करना। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि तो चलो फाड़ो इसको भाई। भाई यार गलत बात हो गई भाई। क्यों? 30% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर। मेरा सेकंड था तो मेरा फर्स्ट होता ना भाई, पर मेरे को उसमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया इन्होंने। ये डिस्काउंट्स काफी अच्छे दे रहे हैं, ऐसी ईट क्लब करके वो छतरियां दे रहे हैं साथ में। बारिश ज्यादा हुई भाई, तो आपके अगर बारिश हो रही है ना तो आप उस चीज को जरूर से ऑर्डर करो उधर से। एक बार आप इसके वो दिखा दो भाई, फसूस आइटम है। फसूस नहीं है वो, फसूस है। आइटम का नाम है पनीर टिक्का शोरमा। शोरमा जैसे मैंने बेसिकली नॉन वेज में ही देखा, पर मैंने खा रखे भाई रानी बाग में, बहुत सैनिक विहार में, बहुत बढ़िया मिलते हैं। उसमें पनीर वाले, सोयाबीन वाले मिलते हैं। कब खाए थे तुम? खाता रहता हूँ भाई मैं पहले। फिर बंदे बोलते हैं डाइट कॉलेज में कर रहा है भाई, कॉलेज में खाता था, उसी का असर दिख रहा है यहाँ। खाओ उतना जितना तुम्हारी बॉडी अलाउ करे। चल यार अब आगे बढ़ते हैं थर्ड आइटम पे। चलो फिर भाई, ओहो हो अनबॉक्सिंग कर दी भाई फसूस की ना। फसूस तू नहीं बोला ना, फसूस। फसूस भाई, फसूस भाई, रहने वाला अपना 97 का आफ्टर डिस्काउंट हुआ है। ये था 127 का फ्लैट मिला है। वैसे 300 रुपए का देके दिखा रहा था, पता नहीं क्या है, बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं फसूस के। फसूस लग रहा है कुछ ज्यादा निराश ना हो जाए भाई। फैसोस के मैंने भी बहुत ज्यादा खाया, मंचूरियन रोल खाया उनका, ऐसे दुख 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 बोले लगाए रखते हैं भाई, बहुत गलत साउंड हुआ ये। अरे वो बॉले रखते प्रॉपर मंचूरियन रोल, सुने जितने भी खाए वो मैश करके रखते ना, ये बॉल्स रखते प्रॉपर। ओके चलो भाई बढ़ते हैं फसूस में, देखते हैं भाई क्या चीज है इसमें। 300 रुपए की क्या बला है ये, तूने कितने का खाया था तू रानी बाग में? 60 रुपए का मिलता है, सिर्फ 60 रुपए का, सिर्फ 60 रुपए का। ये पता है डिस्काउंट फिर इसीलिए ही दे रहे हैं क्योंकि इनको भी पता उससे ज्यादा की इनकी वैल्यू नहीं है भाई। वैसे साइज तो काफी बड़ा है यार। क्या क्या तूने? साइज तो काफी बड़ा है। क्या क्या तूने? साइज, साइज मैटर्स ना। हाँ या साइज मैटर्स। अरे भाई हम इसकी बात खाने की भाई, अबे भाई 97 में इतना बड़ा साइज मिल रहा है खाने का, मैं तो इससे भी बड़ा साइज दूंगा 97 से कम। अगर ये छोटा होता तो हमें अफसोस होता ना भाई, 100 रुपए में छोटी आइटम मिली है। तेरे साइज मैटर करता है। या अभी भी बता रहे हम खाने की बात कर रहे हैं, प्लीज तुम गंदे बंदे हो ना यार, गंदी सोच, गंदी सोच वाले लोग। कैसा है ये दिखाओ भाई, देख नॉर्मल रोटी तो बिल्कुल टॉर्टिला रैप कहते हैं इसे भैया जी। नहीं नहीं शौक है भाई, टॉर्टिला वॉर्टिला ऐसा वाला रोटी बोलते हैं सब इसको। चलो ठीक है, मैदे दी रोटी। हाँ मैदे दी रोटी। हाँ चलो जी काटो, आधा आधा करो भाई। अपना ना प्रशांत रोल वाला ही सबसे बढ़िया, वो आधा काट के देता है। इसमें क्या है भाई, बड़ी बड़ी ब्रांडों के चोचले, तुम मेहनत करो हमें कुछ नहीं करना। और भाई ये ठीक है भाई, भाई साहब ओवरलोडेड है भाई, ओवरलोडेड पूरे मैदे दी रोटियों के बीच में। दिखाओ जी भाई, जितने भी वेज लवर्स होगे ना, शोरमा का नाम सुनते ही सोचते होगे भाई नॉन वेज। या ये देखो भाई, इसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से पनीर को मेरे को लग रहा है पनीर शोरमा ना, बस नाम दे दिया, पनीर की भुर्जी की स्टफिंग अंदर कह सकते हैं। है इसकी आप दिख रहे हैं पनीर की भुर्जी लग रही है। बात ये है, क्या बात है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत रैप ना, क्रीमी भी है रैप एकदम सॉफ्ट। और मेरे को लग रहा है इन्होंने मेयोनेज़ डॉक्टर ओटकर की यूज करी है,
वाली स्मेल जो आती है ना वो सीखी है बस। ये शोरमा वाली चीजें होती है ना ये थोड़ी स्पाइसी पसंद आती है लोगों को, ये थोड़ा मीठा है, ये थोड़ा मीठा टेक्सचर आ रहा है इसका वो भी। ये क्या फैसोस ना मीठा है, फैसोस मीठा है। दिव्यांश को मीठी चीजें बहुत पसंद है। तेरे को खट्टी चीजें क्यों पसंद आ रही है आजकल? खट्टी चीजें तब नहीं पसंद आती दोस्त। कोई नहीं भाई, मोटा भी हो रहा है गौंडा। बढ़ते हैं इसी पे वापस। कैसा लगा रैप? रैप तो काफी बढ़िया। रैप मतलब रोटी, तेरी मैदे दी रोटियां कैसी लगी? वो वाला रैप नहीं, बिच्चू वाला रैप नहीं भाई। है तो बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट। हाँ स्मूथ नहीं, सॉफ्ट। जैसे गरीब दी अट्टे वाले भैया कहते थे हम तो दूध के कुलचे बनाते हैं, ये होते हैं असली दूध की रोटियां। सीरियसली टेस्ट को मैं इसमें 8 दूंगा क्योंकि मेरे को स्पाइसीनेस इसमें थी नहीं, पर इसका जो टेस्ट आ रहा है वैसा कि मतलब स्पाइसी ना करते हुए भी इन्होंने टेस्ट बेटर दिया है। स्मूथ है और मेयोनीज अच्छे से डाल रखे तो वो चीज मेरे को सही लगी। तू 8 दे रहा है, मैं 6 दे रहा हूँ क्योंकि ये मीठी, मतलब 6 दे रहा हूँ। तूने शोरमा खाया कभी आज तक? नहीं। तो तूने पहली बार खाया, इसको 6 कैसे दे सकता भाई? नहीं अच्छा ही नहीं लगा मेरे को किसी भी एंगल से, नहीं अच्छा लगा मतलब खाने में भाई। मेरे को नाम चीज नहीं पता भाई, आज तक मैंने कटहल रोटी, कटहल भी नहीं खाया, तोरी भी नहीं खाई, काफी चीजें नहीं खाई। अब मतलब पहली बार खाओगे बट नहीं अच्छा लगा मेरे को, मैं नाम से नहीं खा रहा ना उसके पहचान से खा रहा। सोच बट क्या बोलू मैं इस पे, स्टिल 6 पॉइंट्स ही मैं देने जाऊंगा और तू दे रहा 8। हां भाई मैं तो 8 दे रहा हूं। चलो कोई नहीं यार, पर 8 क्यों दे रहा इतने ज्यादा नहीं बनते भाई इसके? नहीं मेरे को अच्छा लगा भाई, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो भाई पहले हमें निराशा मिली, फिर हम अच्छे फील किए, फिर हमें न्यूट्रलाइज हुए थोड़ा बसूस से। बसूस। अब चौथी चीज पे बढ़ते हैं भाई, अब जिसका सबको इंतजार था, जिस चीज को आपने थंबनेल में देखा था, जिसकी वजह से आपने वीडियो पे क्लिक किया था। तो डोरेमोन जी आप अपनी पॉकेट से नया कुछ निकालो अपनी तिजोरी से। तेरे को पता है ये अभी हमने जोमेटो से मंगवाया ना, इसके साथ उन्होंने एक क्लासिक पिज्जा 50 रुपीज का था वो फ्री में दिया। कहते तुम खुद देखो ये तुम्हें 6 चाहिए या ये तुम्हें 1 चाहिए, ये रेगुलर साइज है, नो चीज, बस चीज भी इन्होंने बीच में रख दिया, तुम अपना मिला मुलू के खाओ। मेरे को देख रहा है एक्साइटमेंट हो रही है, बड़ा देख क्या चीज है। लेट्स ओपन अप इट भाई। भाई ओए ये ढक दिया भाई, इन्होंने ढक दिया, हक दिया। ओ तो फट गया इसका। ये रेगुलर नहीं है यार, ये बड़ा है, बड़ा लग रहा है साइज़। रेगुलर ना ये मीडियम है, इसमें स्लाइसेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लाइसेस है और इन्होंने ये वोल्केनो कर दिया। एक बारी ट्राई करते हैं यार, बहुत बकवास हो गई। मेरे को रुक जा, मेरे को ये वाला चाहिए। ए तू डाइटिंग पे भाई, ए तू डाइटिंग पे, देख मैं तेरा ख्याल रखता हूं हमेशा। ओए होए होए होए, वैसे इसी में इतना सारा चीज है, लेट्स ट्राई इट कि कैसा है ये। क्रिस्पी लग रहा है भाई, आवाज कट किया एकदम, कोने से तो प्रॉपर क्रिस्पी जैसे की आवाज ही आई। चीज तो इसमें जो सामने आया मेरे को चीज काफी ज्यादा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, चीज नहीं अच्छा लगा। पिज्जा ना ऑनेस्टली पसंद नहीं आया, चीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। दूसरा जो पनीर है वो मेरे को लग रहा है फ्रेश नहीं है। इसमें एक टेस्ट आ रहा है जो डोमिनोज का नॉर्मल क्लासिक टेस्ट होता ही होता है। तुम जब भी किसी के पिज्जा खोलोगे डोमिनोज का, वो एक तो आता ही है। सीरियसली है ना, फ्रेश पनीर नहीं लग रहा मुझे इसका। भाई पहले तो एक बार इसका खुलासा करो, बोला था ना भाई देखो चौको लावा वाली कटोरी भी छोटी दी है इन्होंने। भाई क्या ही दिया यार, समझ नहीं आ रहा कुछ भाई। ये तो मन ही नहीं कर रहा यार, मन मर गया खाने का। 300 रुपए दिया भाई तूने, वही लग रहा ना क्यों ही दिए डोमिनोज वालों। या तो इसको बंद करो या इसको सिखाओ कैसे बनता है ये। क्योंकि अब ये नहीं कि यार एक दो जगह ट्रेन कर दो एम्प्लॉइज को और जगह ना करो, क्योंकि डिफिकल्ट यार, हर बंदा नहीं बना सकता ये चीज। आपको बताना है क्या है ये, कितना रेट करना चाहोगे भाई? 3। पनीर सड़ा हुआ है, पनीर सड़ा हुआ है भाई। डोमिनोज का जो नेचुरल टेस्ट होता है ना, बस उसके 3 नंबर दिए मैंने, ब्रांड के नंबर दे रहा था नंबर दिए एक तरीके। अब भाई चारों चीजें अभी तक खा ली हमने, डोमिनोज का पिज्जा भी खा लिया, पेपी पनीर, वोल्केनो चीज पिज्जा, फैसूस का वो भी खा लिया, फैसूस और क्या खाया हमने, पिज्जा हट का मेल्स, टैको बेल का एक रैप। भाई सबसे ज्यादा बढ़िया क्या लगा? ए पिज्जा हट का मेल्स, ओनली मेल्स, और रेट भी ठीक है। बॉयज ऑलवेज मेल्ट्स, ये अभी तूने क्या बात बोली, बॉयज ऑलवेज मेल्ट्स, गर्ल्स नहीं मेल्ट करती? पता नहीं भाई, भाई आइसक्रीम भी मेल्ट करती है यार, ट्रू या आइसक्रीम जल्दी खानी चाहिए। भाई क्या है ये, अभी तो कहता है अच्छा ही लग रहा, और ये क्या कर रहा है भाई तू? खाने को वेस्ट करूंगा तो तुरंत 3 नंबर दिए थे, 3 नंबर के बाद भी पिज्जा खा रहा है यार। भाई देख खाने को ना गंदा नहीं, मतलब भाई पैसे दिए सबसे मेन यार। भाई कम से कम पनीर तो हटा दे, सड़ा हुआ पेट खराब हो जाएगा तेरा, पेट भी सड़ जाएगा। पनीर सीरियसली यार बहुत ज्यादा सड़ा हुआ, देख पनीर भी नहीं हट रहा। पता नहीं भाई क्या ही है भाई, छोड़ो मेरे तो मूड खराब हो गया। अबे सीरियसली देख पनीर हट ही नहीं रहा है, ये देख पूरे चीज के साथ हट रहा, पनीर ही नहीं हट रहा। देख कैप्सिकम हट रही है,
बट पनीर सीरियसली कुछ ना कुछ खराब है। यही तक थी हमारी एक अमेजिंग सी अच्छी सी वीडियो जिसको अच्छा से बनते और बना सकते थे हम अपने मूड को, मुझे डोमिनोज ने अच्छे तरीके से खराब किया। तू कर भी क्या सकता है यार, लास्ट में पिज्जा मेल्ट आते ना पिज्जा हट के मेल्ट, हमारा मूड कितना बढ़िया होता, बहुत ज्यादा बढ़िया होता, पर मैं तेरा और ज्यादा मूड बढ़िया कर दूंगा भाई। जोमेटो वालों ने हमारे मूड का ख्याल रखा है, ये दिया है साथ में भाई, ये तो घर लेके जा रहा हूँ। ओके भाई बाद में खाऊंगा इसको मैं, बाद में तू मैं चल। मैंने क्या बोला, डाइटिंग नहीं चल रही है, बोला ना बस वीडियो में दो चार बार आओ, हर बार आओ वीडियो में, हर बार काम करो ना, एक काम करो पुरानी वीडियो देखना आज की वीडियो देखना। अरे क्या भाई हर बार क्या, बंदों को यही काम रह गया, पहले पुरानी वीडियो देखो, ये देखो मैं बता रहा हूं, नहीं हुआ नहीं हुआ के पेज पे आज क्या है। अरे मैं नहीं जानना उन्हें कि तू पतला हुआ मोटा रहे पतला रहे जो भी रहे, जब डाइटिंग वाला वर्ड बतलाना है यार। तो भाई यही तक थी हमारी अमेजिंग सी अच्छी सी बेहतरीन सी बहुत ही बढ़िया सी वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हमसे लाइक कर लो। अरे नहीं मेरे को पता है तू लास्ट दो वीडियो से क्या करता रहा है तेरा आना बड़े। तो यहीं तक थी हमारी एक अच्छी सी बेहतरीन सी अमेजिंग सी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से एक मिनट सब्सक्राइब नहीं। ये पिज्जा है ना, ये वाला पिज्जा, पिज्जा के बॉक्स को डोमिनोज को देख के मार दो और सब्सक्राइब का बटन जल्दी जल्दी दबा देना, और नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट जरूर से करना, और भाई अगली वीडियो का कमेंट दे दो यार, कुछ तो कमेंट करो यार, सही में यार अगली वीडियो का तो थक गए यार बोलते हुए भी आपको। हाँ अगली वीडियो का कमेंट करो कि क्या करें अगली वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक करना। तो मिलते हैं आपसे अगली नई अमेजिंग बेहतरीन सी वीडियो में, जय श्री राम। Tell me that you love me, even if it's fake.